आलाकमान को दिखाया है फर्जी चुनावी सर्वे, पार्टी फिर से करे विचार। भाजपा विधायक प्रत्याशी को लेकर क्या बोले पूर्व जिलाध्यक्ष महावीर सिसोदिया। खबर श्योपुर से है, जब से बीजेपी की तरफ से विधायक प्रत्याशी के रूप में दुर्गलाल विजय के नाम पर मोहर लगी है, तब से ही स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभिन्न कार्यों के शिलान्यास के लिए श्योपुर दौरे पर आए सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के एक काफिले को भी सिसोदिया समर्थकों ने रोक लिया था और अपने नेता के पक्ष में टिकट मांगने को लेकर खूब नारेबाजी की। पूर्व जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह सिसोदिया ने हमसे बात करते हुए बताया कि टिकट को लेकर पार्टी फिर से विचार करे, क्योंकि जब से टिकट फाइनल हुआ है तब से ही कार्यकर्ताओं में भारी भरकम विरोध है। पार्टी प्रत्याशी पहले भी बहुत बुरी तरह चुनाव हार चुके हैं, इस बार श्योपुर की जनता नए चेहरे की मांग कर रही है। मैंने जनता की जी जान से सेवा की, इसलिए जनता की पूरी आस इस बार मुझे प्रत्याशी बनाने को लेकर थी, मैं मगर कुछ उल्टा सीधा करके आलाकमान को भ्रमित कर। आज हम मौजूद हैं भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व में भाजपा से श्योपुर के दो बार जिलाध्यक्ष रह चुके महावीर सिंह सिसोदिया जी के साथ। महावीर सिंह सिसोदिया जी के बारे में बताया जाए तो ये भाजपा के श्योपुर जिले के एक बहुत बड़ा चेहरा है, कद्दावर नेता है, जनता की पूरी आस इन्हीं पर टिकी हुई होती है। किन्हीं कारणों से, किन्हीं असमताओं के कारण विधायक की रेस में जी अव्वल थे तब भी इनका टिकट काट दिया गया है। जनता में बड़ा आक्रोश है। कल भी जब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी श्योपुर आए थे, जनता ने इनके पक्ष में काफ़ी नारे लगाए और एक तरह से विरोध किया है कि दुर्गालाल विजय जी को जो टिकट मिला है उससे भाजपा अपनी सीट हार सकती है। हम बात करके जानेंगे। सिसोदिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आप सर, क्या लग रहा है सर, क्यों आपका ये टिकट इतनी आगे होने के बाद भी आपका टिकट सर किन कारणों से काटा गया है? पार्टी के हाईकमान नेतृत्व से इस संबंध में बातचीत की, समझने का प्रयास किया। उन्होंने सर्वे को ही केवल आधार बताया, लेकिन मुझे, मैं आश्चर्यचकित हूँ, जनता भी आश्चर्यचकित है कि सर्वे तो जनता के द्वारा होता है, जनता से पूछा जाता है। मुझे ये तो पता है कि श्योपुर के 3 प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने सर्वे कराए और वो उजागर भी हुए। उसमें आप देख सकते हो दैनिक भास्कर है, दैनिक जागरण है, हरिभूमि है, इनमें सब में जनता ने पहली पसंद मुझे बताया। और अंदरूनी जो कई बार चैनल वाले आए जो शासकीय गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होंगे, किसी पार्टी की तरफ से नहीं होंगे, वे भी व्यक्तिगत कई बार मुझसे मिलके गए। उन्होंने मुझे कहा कि आपका काम, आपके नाम की बड़ी चर्चा है और आप ही सबसे एक योग्य उम्मीदवार यहाँ दिख रहे हो, जीतने वाले। लेकिन जब हमारी पार्टी के संगठन के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपका सर्वे बहुत नीचा है। तो मुझे तो कहीं ना कहीं उनसे ये कहने का अवसर मिला, तब मैंने उनसे कही कि एक आध दो सर चैनल की रिपोर्ट मेरे सामने रखो, आप, मैं आपकी बात से सहमत होकर कल से ही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से काम करूंगा। केवल सर्वे मैनेज करके कोई व्यक्ति सर्वे करा ले, अपने लोगों के नाम दे दे, आजकल कुछ सब चीजें संभव है। कोई चीज इस दुनिया में संभव नहीं है कि व्यक्ति मैनेज नहीं कर सकता। जब ऊपर से नीचे तक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी पारदर्शिता है, लेकिन व्यक्तिवाद तो है, व्यक्ति की पसंद तो हर नेता अपने अपने स्तर पर करता है। तो ये मुझे, ये जनता में जो शंका है, जनता जो बार बार इस बात को दोहरा रही है और व्हाट्सएप और चैनल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो पोस्टें डल रही है उसमें एक बदबू सी आ रही है कि ये मैनेज करके टिकट दिया गया है। इसलिए जनता में कल आक्रोश था, जनता ने केंद्रीय मंत्री के सामने जोरदारी से अपनी बात रखी और परिवर्तन की बात रखी, नया चेहरा लेने की बात रखी। जनता का सर हम रुख देख रहे हैं, टिकट का जब से फाइनल हुआ है तो सोशल मीडिया पर भी लगातार पोस्टें वायरल हो रही हैं कि इंदौर वाले हैं, सेटिंग करके टिकट ले लिया है, वृद्ध नेता हैं, उम्र दराज नेता हैं। क्या बातें हैं सर, ये उम्र दराज क्यों पार्टी ने सर इन चीज़ों को नहीं देखा है? आप तो सर एक बड़े नेता रहे हैं सर, आपको तो इस पूरी प्रक्रिया के बारे में मालूम होगा सर। गुजरात में एक फार्मूला दोहराया गया था और गुजरात के फार्मूले के आधार पर जो आज के प्रत्याशी हैं वो ये कहने लगे थे गुजरात चुनाव के बाद कि भाई ये तो तय हो गया कि हमें टिकट नहीं मिलेगा। इससे पहले भी वो ये कहते थे कि ये निश्चित रूप से हमारी हार इतनी बड़ी अंतर से हुई है इसलिए हमें टिकट नहीं मिलेगा, और बढ़कर बात कहते थे कि 5-5 बार पार्टी ने अवसर दिया है, हम अब इस में केवल पार्टी का सहयोग करेंगे। अचानक ही 5-7 महीने से क्या हुआ ये बात समझ में नहीं आई कि किस तरह से उन्होंने अपने पार्टी, उन्होंने पार्टी संगठन को मैनेज किया और वो थोड़ी सक्रियता बढ़ाकर और ये जो सर्वे की बात कर रहे हैं
तो वो सर्वे उन्होंने अपने आप अपने तरीके से उसको कैसे एडजस्ट किया ये वो जाने। सर जिले में एक बाढ़ आई थी सर पहली बार, उस बाढ़ में हमने देखा भाजपा के और भी नेता थे सर कहीं दिखे नहीं, आप उसमें सक्रिय रहे, तो सर बाढ़ के ऐसे कौन से सर कार्य हैं जो आप सर हमें बताना चाहें? बाढ़ का पहला दिन श्योपुर जिले के लिए अभिशाप बन के आया। मैं बाढ़ बड़ौदा क्षेत्र में और श्योपुर नगर में प्रमुख बहुत जबरदस्त श्योपुर को प्रभावित किया, श्योपुर के सीप नदी से लगे हुए सारे गांवों को प्रभावित किया, लोगों का खाना पीना कर आवास तो गया ही, आवास तो ढह गया बह गया, दिनचर्या के सारे सामान बह गए, लेकिन उससे बड़ा अब दुख का कारण यह था कि उनका दो मतलब अगर नहीं चेतता में या प्रशासन को साथ लेकर और जो सहयोगी थे मेरे उनको लेकर अगर बाढ़ के उस विपदा में नहीं कूदता तो 8 दिन तक तो प्रशासन कुछ कर नहीं पाता। आप देखिए कि यहाँ से बड़ौदा जाने का मार्ग अवरुद्ध था, उंडाखाल एक नाला आता है वहाँ से रोड कट गया था, पूरा बड़ौदा डूब में चला गया था। मैं जेसीबी से बैठकर बड़ौदा पहुँचा, मैं दिन भर वहाँ रहा, किरान दुकानदारों से मैंने आग्रह किया, सामाजिक लोगों से मैंने आग्रह किया, प्रार्थना की कि एक आध दिन बाद प्रशासन बागडोर अपने हाथों में लेगा, पहले आप सहयोग करें, आपके पास जैसा भी सहयोग है आप शारीरिक रूप से खड़े रहकर आटा बेलने का काम करें, आप कुछ और सहयोग कर सकते हैं वस्त्र का तो वस्त्र का करें। और हमने दिन भर में वहाँ बड़ौदा की जनता जो प्रभावित थी उनका शाम को 4 बजे भंडारा चालू किया, लोगों को प्रतिदिन 10 दिन तक वहाँ भंडारा चला। पहले दिन की श्योपुर की इसी तरह की घटना रही, मैं आश्चर्यचकित था कि जब मैं श्योपुर में इस बाढ़ के क्षेत्र से निकलकर 2 बजे के करीब बीजेपी कार्यालय के पीछे जो मुरारी लाल एक हलवाई हैं जो मुरैना के हैं, मुरारी उनके नाम से जाने जाते हैं, उनसे मैंने आग्रह किया कि अपने को किसी भी तरह से इस विपदा से उभरना है और ये जो लोग भूखे हैं इनके लिए कुछ व्यवस्था बताना है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ 2 पैर हैं, मेरा बच्चा है, आप चाहो तो हमारा उपयोग कर लो, लेकिन हमारे को तो लेबर भी नहीं मिलने वाली क्योंकि लेबर जो रहती है लेबर क्लास वो सारी नीचे की बस्ती में रहती है और वो सब उनका टेस्टनेस हो गया तो कोई काम पे नहीं आएगा। फिर हमारे सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता जो मेरे साथ थे सबने हिम्मत दिखाई, हमने ये जो अपने सरपंच का किराना स्टोर है उनको 4 बजे घर से 2 बजे उनसे घर से उठाया, उनसे सामान लिया अपने स्वयं के हाथों से, अपने हमारे सहयोगियों ने 4 बजे वो काम चालू किया, 1500 पैकेट उस दिन से प्रारंभ हुए। 3 दिन तक यहाँ प्रशासन ने चेन कोई व्यवस्था नहीं बिठा पाया प्रशासन, सामाजिक लोगों ने 3 दिन में व्यवस्था, प्रशासन फिर जागा, प्रशासन ने मैंने 15 दिन वो काम आगे बढ़ाया। लेकिन दुख की बात ये रही कि उसमें जिस प्रकार से प्रशासन को उस वक्त तत्काल एक्टिव होना चाहिए था वो प्रशासन नहीं हो पाया था, इसका परिणाम भी होगा जिला प्रशासन ने 3 दिन बाद ऐसे नाकारा प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ से बदल भी दिया। सर आप जिला अध्यक्ष रहे सर श्योपुर के, तब श्योपुर में सर बीजेपी इतनी सक्रिय पार्टी नहीं हुआ करती थी, आपने सर इसको बड़ा मजबूती दी, आपके सर कार्यकाल के ऐसे क्या क्या कार्य हैं सर जो आप हमें बताना चाहें? श्योपुर का कोई प्रतिनिधि अब वैसे तो वो राजनेता अब इस दुनिया में नहीं रहे जिनके आचरण और उससे इस भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ श्योपुर जिले में एक अपना काम खड़ा किया, स्वर्गीय सरदार गुलाब सिंह जी हों, स्वर्गीय श्री रमाशंकर भारद्वाज हों, ये दो ही नाम एक ऐसे थे जो बिल्कुल इस तरह की राजनीति करते थे, स्वच्छता की राजनीति और ईमानदारी की राजनीति, लेकिन उसके बाद यहाँ धीरे धीरे अन्य दल की तरह ये भी इस बीजेपी में भी वो प्रवेश कर गया, छल कपट से राजनीति में लोगों ने अधिकार जमा लिया, छल कपट से संगठन के पदों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन बड़ौदा के बिना ये सब अधूरे थे। जब कभी भी इस धरती पे आंदोलन हुआ श्योपुर की पे एक राजनेता मेरे से डिबेट कर ले भाजपा का और जब तक बड़ौदा की उपस्थिति दर्ज नहीं होती थी तब तक यहाँ किसी आंदोलन में 5 लोग भी अगर खड़े मिल जाएं जो जवाबदार थे तो आश्चर्य की बात है, नहीं तो सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा का मैं अध्यक्ष बना 1987 में, सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल का काफला लेके हमेशा चला, बड़ौदा के संगठन में के रूप में जो भी साथी रहे वो पूरी ताकत से सहयोग करते थे, उसके कारण से आज ये संगठन ने बड़ी ऊंचाई और आज गांव-गांव में जो कार्यकर्ता है मेरी हम उम्र का वो युवा मोर्चा के टाइम का है। सर भाजपा कार्यालय भी सर आप ही की कार्यकाल की देन है सर, जब उसमें आज इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां सर इतने पार्टी प्रोग्राम हो रहे हैं, कुछ और सर बातें हैं जैसे प्रदेश में कांग्रेस सर इस बार हमलावर है बीजेपी पर और बड़ी टक्कर का मुकाबला देखने को मिल रहा है, फिर सर ऐसे सीटों पर टिकट कैसे बांटे जा रहे हैं, क्यों सर श्योपुर की जो दोनों जो विजयपुर और श्योपुर विधानसभा है सर उन पर सर क्यों कैंडिडेट उनको अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, ऐसे सर क्या पार्टी बहुमत से सरकार बना लेगी सर? आपने कहा कि बीजेपी कार्यालय का मेरे समय पे
निर्माण हुआ, निश्चित रूप से वो मेरे लिए, मेरे जीवन का एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते एक सुखद क्षण था, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की नींव मेरे जिलाध्यक्ष रहते हुए रखी गई और 11 महीने में निर्माण काम भी पूरा हुआ। मेरा एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है, मैंने जब युवा मोर्चा का मैं कार्यकर्ता था, जिलाध्यक्ष रहा पाँच वर्ष में, प्रदेश कार्य समिति रमा युवा मोर्चा, तब वर्ग वगैरह बहुत अधिक हुआ करते थे, तो उनमें मैं प्रशिक्षण में बहुत सारी बातें बताई जाती थी। कार्यालय एक मंदिर होता है, नियमित रूप से मंदिर पे जिस प्रकार से आप अपने अन्य मनोभाव कामना को लेके जाते हो, इसी प्रकार से अगर पार्टी का कार्यालय होगा तो वो एक मंदिर होगा, जो पार्टी गतिविधियाँ चलाती है वहाँ जाकर आप उसका चिंतन मनन और कार्य को और विस्तार दे सकेंगे। तो मैं 1984 में स्थानीय समिति बड़ौदा का अध्यक्ष बना, तब वहाँ नगरपालिका नहीं हुआ करती थी, ग्राम पंचायत थी। बाबूलाल मेवरा विधायक हुआ करते थे, मुझे वो दिन याद है, कभी कभी मेवरा जी मिलते हैं, उनसे दोहराता हूँ। मैंने एक कमरा लेकर 1984 स्थानीय कार्य समिति का अध्यक्ष होने के नाते बड़ौदा में कार्यालय खोला। 2009 में 10वें में यहाँ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बना, मैं मार्च में बना। मुझे लगा कि यहाँ कोई गाँव का आदमी जब कोई विषय लेके आता है या संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना है तो कोई स्थान देखना पड़ता था बैठक के लिए, चाहे वो हिंदू धर्मशाला हो, श्री राम धर्मशाला हो, जैन धर्मशाला हो, व्यवस्था बनानी पड़ती थी, पर्स बिठाओ, पानी लाओ, झाड़ू निकालो। मुझे बड़ा मतलब ऐसा लगा कि जिला भारतीय जनता पार्टी संगठन में लगातार 2003 से लेकर 2010 तक, यानी कि 7 साल का कार्यकाल तो सरकार का, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ताकत से भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो कार्यक्रम चलते हैं, तन से मन से सहयोग करते हैं, धन से भी सहयोग करते हैं, तो इस पर क्यों नहीं विचार किया जाए। तो यहाँ इस भारतीय जनता पार्टी नगरपालिका का शोपुर में बोर्ड था, सम्माननीय मीरा रमेश जी घर थे, मैंने उनसे आग्रह किया कि कोई ना ऐसा कोई भवन हो जो आप अभी एक वर्ष के लिए उपलब्ध करा सको तो ये पार्टी की गतिविधियों के लिए वो ठीक रहेगा। उन्होंने एग्रीमेंट करके एक वर्ष के लिए मुझे भवन सब्जी मंडी शोपुर में दिया, वहाँ कार्यालय चला। उसी के रहते हुए जिला कलेक्टर से लीज पे भूमि ली गई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के नाम से, और एक वर्ष में वो सारे कार्य करके और निर्माण काम प्रारंभ कर दिया। 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी का भवन बनके 2012 में तैयार हो गया। मुझे उससे ज्यादा सुख की अनुभूति मेरे जीवन में कभी नहीं हुई। टिकटों को लेकर सर, जो टिकट बांटे जा रहे हैं सर, जबकि देखा जा रहा है कि भाजपा की रैंक कितनी अच्छी नहीं आ रही है इस बार सर्वे में, फिर भी सर ऐसे प्रत्याशियों को इस बार दोबारा उम्मीदवार बना रही है पार्टी, जो सर पिछली बार 40-40, 50-50 वोटों से आ रहे हैं, जिसको कांग्रेस ने तगड़ी धूल चटाई थी। ऐसे सर जो आला कमान है सर, ऐसे कैसे सोच रहे हैं सर, आप इस पर अपनी क्या रखते हैं? पार्टी मध्य प्रदेश में इस पर बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। निर्णयों का जो आधार है, मैंने आपसे पूर्व में भी कहा, मुझे जैसा बताया गया, मुझे जो बताया गया है कि उन्होंने सर्वे को प्रथम आधार बनाया है। फिर मैंने एक अपनी शंका में यह भी कहा आपसे कि निश्चित रूप से 100% तो नहीं, लेकिन कई जगह पर यह परिस्थितियां बन रही है। मैं भी देख रहा हूं कि 80 के लगभग जो टिकट हुए हैं उसमें से एक दर्जन से अधिक स्थानों पर बहुत जबरदस्त कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, बदलाव की बात कर रहे हैं, वो भी अपनी जगह पे सही है। जो कार्यकर्ता जहां जिस स्थान पर हजारों हजारों की संख्या में बदलाव की बात कर रहा है, क्योंकि आप भी एक टीवी चैनल वाले हैं, आप गांव में जाकर आज का माहौल आप स्वयं आकलन कर लें कि भारतीय जनता पार्टी श्योपुर विधानसभा में कहां खड़ी है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते अपने शब्दों में कोई बात कहूंगा यह उचित नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ परिश्रमी कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता ताकत लगाकर अपना प्रयास करेगा, परिणाम ईश्वर और पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जैसा सोचा है उसके अनुकूल आएगा। हमने देखा है सर श्योपुर जिले में, पूरे ही श्योपुर जिले में देखा जाए सर, आपके समर्थक ज्यादा माने जाते हैं, समर्थकों में भी एक आक्रोश है सर। यदि समर्थक सर पार्टी ने सर अगर टिकट चेंज नहीं किया, टिकट को बरकरार रखा, समर्थक सर अगर इस साथ गए कि आपको वो चुनाव लड़ाना, क्या सोचते हैं सर इस बात पर, समर्थकों के साथ जाएंगे या सर पार्टी के लिए ही कार्य करेंगे? 2023 अभी मात्र प्रत्याशी की घोषणा हुई है। मेरा पुराना जो 35-36 साल का अनुभव है, अब पहली बार ये मेरे राजनीतिक जीवन में 2 महीने पहले टिकट हुआ है,
मैंने कभी नहीं सुना कि भले ही व्यक्तिगत कान में या व्यक्तिगत किसी भी संगठन के हाईकमान ने किसी भी प्रत्याशी को कहा होगा, सार्वजनिक तौर पे दो माने पहले ये घोषणाएं इस बार भारतीय जनता पार्टी संगठन केंद्रीय नेतृत्व ने किए। उन्होंने क्या सोचा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसमें दो बातें देखता हूं। उनका सर्वे आज भी जारी है और वो आज भी आकलन कर रहे हैं, और जहां पार्टी किसी कारण से कोई व्यक्ति अगर किसी सर्वे को अपने संबंधों के नाते मैनेज करके ले गया, मैं कह रहा हूं कि ये जो अभी एक महीने का कार्यक्रम चल रहा है, पार्टी के जो गतिविधियां चल रही है, पार्टी के जो सर्वे चल रहे हैं, मुझे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि ये परिवर्तन होगा शोपुर में भी। इस आज के साथ मैं बैठा हुआ हूँ। नहीं सर, परिवर्तन होगा तो सर वो आपके फेवर में होगा या कोई नया चेहरा होगा। परिवर्तन सर नहीं हुआ, समर्थक अड़े रहे सर, तो जिस जो जनता सर आप पे इतना विश्वास जताती है उसके विश्वास पर सर आप क्या एक्शन लेंगे? 61 साल की उम्र, 24 साल की, 23 साल की उम्र में स्थानीय समिति का सदस्य बना, तब से लेकर सुबह से शाम तक बहुत सारे व्यक्तिगत कामों को छोड़ दिया, व्यक्तिगत लाभ के काम, परिवार की जिम्मेदारियों से भी विमुख रहा, संगठन के कार्य को प्राथमिकता दी। जो संगठन का आदेश होगा, संगठन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की भावना भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब तक उनमें जब तक हाईकमान वो निर्णय नहीं कर लेता, मैंडेट जारी नहीं करता, वो अपनी बात को ताकत से रखेंगे, लेकिन वो सब भी विचार करेंगे और उनकी भावनाओं के अनुकूल जो उनकी भावना निकल के आएगी उसी के अनुकूल मैं विचार करूंगा। केंद्रीय नेता सर नरेंद्र सिंह तोमर जी क्षेत्रीय सांसद भी हैं सर, माना जाता है सर कि आप उनके बड़े चहेते हैं, आप पर उनका प्रेम सदा बना रहा है और आप उनके सानिध्य में सारे काम सर आपने जिले में कराए हैं। आपकी सर उनसे तो बात सर इस मामले में हुई होगी एक आध बार कि ऐसा कैसे हुआ है सर? एक भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफार्म है जिसमें एक नेतृत्व बैठता है और बड़ी पारदर्शिता से वहां बात होती है। जब कागज का पन्ना किसी व्यक्ति विशेष के नाम से खुलता होगा और सारे पन्ने एक जैसे या 19-20 खुलते होंगे, तो नरेंद्र सिंह जी चाहकर भी मेरा कोई समर्थन कैसे कर पाएंगे? वो तो संगठन के इतने शिल्पकार हैं कि जो सर्वसम्मति से तय होगा उस पर नरेंद्र सिंह अपनी मोहर लगाते आए और आगे भी यही रहेगा उनका विचार। व्यक्तिगत मेरे संबंधों का जहाँ तक प्रश्न है, आज उन्हीं की तो बदौलत है कि जनता का दरबार जो लगता है वो मेरा क्या है यहाँ? मैं किसी राज परिवार से नहीं हूँ, मेरा परिवार राज परिवार के अलावा कोई राजनीतिक भी नहीं रहा कि मेरे परिवारजन कभी कोई आगे पीछे कोई राजनीति में रहे हो, जिनका कोई वर्चस्व रहा हो। ये जितना सा भी मिला, ये भारतीय जनता पार्टी जितनी सी भी मेरी ख्याति है, जितना भी प्रेम और संबंध जो लोग मुझे विश्वास करके आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का योगदान एक जिलाध्यक्ष के रूप में, कार्य समिति के रूप में, और विशेष तौर पर जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्री बड़े भाई की तरह, और सारी शोभा के मुझे ये रहा कि जब वो प्रदेश के अध्यक्ष बने मैं जिले का अध्यक्ष बना, जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष बने तो मैं भारतीय जनता पार्टी संगठन का अध्यक्ष बना, मतलब बराबर बराबर। लेकिन श्योपुर की बात, बड़ौदा एक कुएं की तरह था और पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, माता पिता वृद्ध थे, बाल बच्चे की भी जवाबदारियां थी, कुछ व्यवसाय की भी ठीक नहीं था। इस कारण से अगर उस वक्त बड़ौदा छोड़ा होता तो निश्चित रूप से कदम मिलाकर नरेंद्र सिंह जी के साथ प्रदेश में कोई कोई स्थान पर संगठन की जवाबदारी से मुझे नवाजता। प्रदेश कार्य समिति सदस्य सर, आपसे प्रदेश लेवल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस आरोप लगा रही है सर भाजपा पर कि ये बेकार की जन दर्शन या जन आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं, जनता के काम तो 5 साल में किए नहीं है, अब आशीर्वाद किस बात का लेने जा रहे हैं सर? इस तंज पर सर आप क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार, मैं आपको समझाने की और जनता को बताने की जरूरत नहीं है कि 55 वर्ष बनाम 10 वर्ष, आप जनता ने आकलन कर लिया, जनता ने मन बना लिया, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबसे नीचे पिछले पंक्ति में खड़ा हुआ, जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उसको बराबर पे लाके खड़ा करना। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जो लोगों को बांटने का काम करती थी। आज लाडली लक्ष्मी बहना की बात करें हम, उससे महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, हमने अपने परिवार में देखा है, आपके परिवार में आपने भी महसूस किया होगा कि जब कोई वृद्ध हो जाता है 45-50 के बाद, उनके बेटे बेटी की शादी हो जाती है तो बहू और बेटा दोनों कन्नी काटते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि शाम सुबह माता पिता रोटी खा लें और अपना समय पास कर लें, हमारे बाल बच्चों को बेखा दें। लेकिन बाल बच्चा भी तब बूढ़े और वृद्ध आदमी के पास जाना पसंद करता है जब वहाँ थोड़ी सी उसे मिठास मिले। ये 1000 और 1000 से 1250 और 1500 वो उन वृद्ध लोगों को
वो संबल प्रदान कर रहा है जिसकी कल्पना नहीं की होगी। जर्दे अगर कोई वृद्ध घर में कोई जर्दा खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई माता बच्चों को प्यार से मीठी और चॉकलेट देने के बहाने पानी का गिलास और अपने दवा मंगवा सकती है जो चल पर नहीं सकती, ये उस बेटी के उस वृद्ध के लिए जो बेटी गांव से कभी नाती पोते को लेके आती है और बेटे के सामने हाथ पसारती थी कि बेटा मुझे 500 रुपए दे दे, आज तेरी बहन आई है, मैं उनको नाती को दूंगा, उसको एक ये जो योजना लाडली लक्ष्मी बहना ये क्रांतिकारी एक योजना है और यही भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की ओर ले जा रही है। उसके बाद अभी मैंने फिर आपको बताया कि ये 450 रुपए में रसोई गैस लाडली बहनाओं के लिए, आवास की योजना, इन तीन योजनाएं जो ये पिछले 6 माह से हुई है, इन्हीं से आप पिछली योजनाओं को छोड़ दें, मैं जिक्र करना चाहूं तो ऐसी मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं कि जो आम जन के दिल को छू गई, नरेंद्र मोदी जी की आवास योजना, आप देखिए कभी किसी ने सोचा था, यह वनांचल में रहने वाला हमारा आदिवासी बंधु आज 17,000 के लगभग एक साथ आवास जिनके स्वीकृत हुए, 3,500 के लगभग श्योपुर विधानसभा में आवास स्वीकृत हुए, इन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि कोई ऐसी भी सरकार आएगी, कभी ऐसा भी रामराज आएगा कि सरकार मकान बना के देगी, सरकार शौचालय बना के देगी, सरकार घर में नल लगा के देगी, मतलब कहां सरकार ने कभी, कांग्रेस का 55 वर्षों का कार्यकाल और फिर वो 15 महीने का कार्यकाल, ऐसी जनकल्याणकारी योजना संबल योजना, कोई परिवार में कोई मौत हो जाए और मौत के बाद उसका कोई सहारा न हो तो रिश्तेदार भी 15 दिन तक ही केवल उसका सहयोग करते हैं, अगर वो कर्ज में पैसा देते भी होंगे तो मुझे तो हजारों में एक व्यक्ति कोई मिलता होगा जो बिगर ब्याज के दे दे, मगर ये सरकार तो अगर नेचुरल मरता है तो 2 लाख रुपया, एक्सीडेंट में मरता है तो 4 लाख रुपया, अरे आप विचार तो करो, कोई विधवा बहन अपनी पुनर्विवाह करना चाहती है सरकार 1 लाख रुपया देती है, कोई बेटा बेटी जन्म लेता है तो बेटे माँ के पेट में जब बच्चा आता है उसको 16,000 रुपये उसके पूर्व दे दिए जाते हैं, ये ऐसी ऐसी जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिनके बारे में कभी जनता ने विचार नहीं किया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी इसमें कोई संदेह नहीं है। एक अंतिम प्रश्न सर पूछा जाए, आपने सर इतनी सारी योजनाएं गिनाई हैं प्रदेश सरकार की, इन योजना को श्रेय तो सर शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है, उन्होंने ही सर ये योजनाएं लाए हैं, फिर सर ऐसे क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान जी तो सर बैकफुट पर आ गए हैं, जो केंद्र के मंत्री सर जो टिकट बांट रहे थे वो खुद प्रत्याशी बना दिए गए हैं, कांग्रेस आरोप लगाती है सर, कुछ जनता भी कहती है कि ये डर है या मुख्यमंत्री का चेहरा है, क्या है सर ये? आप अभी जब यहाँ श्योपुर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में बात कर रहे थे तो आपने बहुत सारी जो प्रत्याशी यहाँ घोषित किए गए हैं उनके बारे में बात बताई, उनकी उम्र 72 की हो गई, वो 5 बार चुनाव लड़ चुके, वो चुनावी सभा में ये भी कह चुके कि मेरा ये 2018 की जो चुनावी सभा माननीय शिवराज जी उसमें थे तो उन्होंने घोषणा भी की कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, जनता ने भी कार्यकर्ताओं ने भी अपना मन और बड़ा किया, जबकि नापसंद तो 18 में भी उनको कर चुकी थी कार्यकर्ता और जनता, लेकिन फिर उनकी इस अपील से लोगों ने फिर एक सहानुभूति दिखाई और उनको 54,000 वोट प्राप्त हुआ। आपने माननीय शिवराज जी की बात अभी की, आप निश्चित रूप से तो मानते ही होंगे कि जो योजनाएं बनती है व्यक्ति के मुखिया एक होता है तो नाम भले शिवराज जी का लिया जाए लेकिन संगठन की रचना से सब योजनाओं का सब योजनाएं बनाई जाती है, इसमें संगठन भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है, पर्दे के पीछे और पर्दे के अंदर सरकार में बैठे हुए कैबिनेट में बैठकर मोहर लगाते हैं लेकिन करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि ये जितनी भी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी का आज का चेहरे शिवराज सिंह जी है इसलिए बात उनकी की जाती है, लेकिन पीछे अगर हम देखें जो रोजाना संगठन की गतिविधियां चलती है उनमें जो तय होता होगा वही तो ये सरकार उसको आगे बढ़ाती है, जैसे हमारे पंडित दीनदयाल जी ने एक अपने एकात्म महावाद में सब चीजें लिखी हैं, इसलिए वो कोई नई बात नहीं है कि शिवराज जी व्यक्तिगत अपनी ओर से इन सब योजनाओं के बारे में विचार करके और अमली जमा पहनाते हो, ये संगठन का एक जो स्वरूप है वो आगे बढ़ता है। सर अगर दुर्गालाल विजयी विधायक की टिकट की रेस में रहे और नहीं टिकट मिला गया तो क्या लगता है सर बीजेपी श्योपुर से जीत पाएगी या कांग्रेस के खाते में फिर से सीट चली जाएगी? यहाँ का देव दुर्लभ कार्यकर्ता
हर परिस्थिति में यहाँ संगठन के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। उसका जो कर्तव्य है वो पूरी ईमानदारी से एक एक कार्यकर्ता संगठन के तय प्रत्याशी के साथ खड़ा मिलेगा और निर्णय जनता को करना है। हमारे साथ जुड़े थे महावीर सिंह सिसोदिया जी, जिन्होंने हर प्रश्न के बड़े ही प्रखरता के साथ जवाब दिए और मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की बात कही है। अब अंततः 50 दिनों बाद चुनाव है, ये चुनाव में वोटर तय करेंगे कि किसकी सरकार